सो कॉल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि फोकॉल का दोलन काल 15 साइन लेमडा प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है, जहां लेमडा उस स्थान का अक्षांश है। सॉल्यूशन देखें, लेमडा अक्षांश वाले स्थान पर फोकॉल लोलक का जो दोलन काल होता है वो टी इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन ऑफ लेमडा आवर्स होता है, जहां पर लेमडा उस स्थान का अक्षांश है। यानी फोकॉल लोलक 24 अपॉन साइन लेमडा आवर्स में 360 डिग्री का घूर्णन करता है। यदि 360 डिग्री इतने आवर्स में करता है तो एक घंटे में कितना घूमेगा, दैट इज 360 साइन लेमडा अपॉन 24। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 साइन लेमडा डिग्री। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन था कि फोकॉल लोलक का दौरान काल 15 साइन लेमडा पर आवर होता है, वो अपने प्रूफ कर दिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी स्थान का अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ है तो कितने समय में इस स्थान पर फोकॉल लोलक का तल फर्स्ट 180 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री घूम जाएगा। सॉल्यूशन देखें, फोकॉल लोलक का दोलन काल टी स्क्वायर 24 अपॉन साइन लेमडा आवर्स होता है। फर्स्ट केस के अंदर लेमडा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो साइन लेमडा इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो t इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन 30 विच इज इक्वल टू हाफ एंड इट विल गिव्स यू 48 आवर्स। इसका मतलब फोकॉल लोलक का 30 डिग्री नॉर्थ पर तो जो आवर्त काल होगा वो 48 आवर्स का होगा। तो फोकॉल लोलक के तल को एक पूरा चक्कर लगाने में 48 घंटे लगेंगे और इस 48 घंटे में पूरे एक चक्कर के अंदर 360 डिग्री वो घूम जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार 180 डिग्री कितने घंटे में घूमा, जो 24 घंटे के अंदर वो 48 घंटे के अंदर वो 360 घूम रहा है तो 24 घंटे में 180 घूम जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 60 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, यदि इसका 1/3 कर दें 8 आवर्स आ जाएगा और 90 में इसका आधा कर दें तो 12 घंटे आ जाएगा। तो इस तरह से कितने भी एंगल हो कितना डिग्री घुमाना है उसका अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखें, आप कितने समय में एक फोकॉल लोलक का दोलन काल दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा, जबकि वह पहला भूमध्य रेखा पर हो या 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर हो या उत्तर ध्रुव पर हो। अब फोकॉल लोलक का जो दोलन काल है टी स्क्वायर 24 अपॉन साइन लेमडा आवर्स में गिना जाता है। पहला केस है भूमध्य रेखा पर, जहाँ पर लेमडा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सिस बनती है वो दैट विल बी जीरो। तो साइन टी इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो जीरो, देयरफॉर 24 अपॉन जीरो दैट इज इनफाइनाइट। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर फोकॉल लोलक का जो दोलन काल है वो हमेशा अनंत है। सेकेंड केस में 45 डिग्री नॉर्थ के ऊपर साइन 45 इक्वल टू 1/√2, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो 24 √2 इज इक्वल टू नियरली 33.84 आवर्स के आसपास आएगा। थर्ड केस में उत्तरी ध्रुव यानी लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन 90 दैट इज 24 आवर्स। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो इसका दोलन काल है वो 24 घंटे का हो जाएगा।